सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने घर देहरादून से। उसका रीज़न ये है कि हमारे एग्जाम ख़त्म हो गए थे और हम हॉस्टल से आ गए थे अपने घर। छुट्टियों में कुछ दिन की छुट्टियाँ थी, हम लोग आ गए थे घर अपने वापस। और अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कहाँ जाने का, रामेश्वरम जाने का। भाई रामेश्वरम चेन्नई जाने का हमने प्लान बनाया है, जो कि एंड है इंडिया का। और जहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई, जहाँ से श्री राम जी ने अपने श्रीलंका जाने के लिए रास्ता बनाया था, ठीक है, हम वहाँ पे भी जाएंगे और रामेश्वरम टेम्पल के आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और मेरे साथ मेरे दो साथी, हाथी मेरे साथी दोनों, ठीक है, जिनका नाम है विनीत और साहिल, वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। वो मेरे को मिलेंगे सीधा दिल्ली में, हमारे सुबह 5 बजे की ट्रेन है दिल्ली से। और अभी आप लोग टाइम देख लो, अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, ठीक है, हम रात को निकलेंगे दिल्ली के लिए। उसके बाद सीधा उनको वहाँ हम दिल्ली में जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है, देहरादून से। हम पहले तो मैंने ट्रेन कराई थी, बट ट्रेन मेरे को लग रहा है डिले कर देगी, इसलिए हम बस में ही जाएंगे, ट्रेन कैंसिल करा दी है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं बढ़िया व्यू, तब तक के लिए हम खाते हैं फिलहाल मोमोज लाए हुए, चिकन मोमोज यहाँ पे, ठीक है, देहरादून के फेमस मोमोज, देहरादून फेमस ही इसलिए भाई। तो आप लोगों को पहले मोमोज खिलाते हैं। ये है भाई देहरादून के शानदार मोमोज। अब इसके अंदर की स्टफिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्यों देहरादून फेमस है मोमोज के लिए, तो कितनी भाई कितनी सही स्टफिंग है, ये देखो जूसी स्टफिंग है भाई बहुत। हाय हाय, गरम गरम। जो जूसी फ्लेवर आ रहा है ना, मज़ा आ गया, अच्छा है काफ़ी। देहरादून की तो खासियत है भाई, देहरादून आओ तो मोमोज ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करना, जो नेपाली और गोरखाली लोग बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग बनाते हैं, ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज, हमारा सामान हो चुका है पैक, ठीक है, ये देखो ये रहा अपना बैग हो चुका है, बस लास्ट एक लैपटॉप रखना रहता है, इसको रख देते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। देहरादून की बहुत ही कड़ाकेदार ठंड में कहाँ के लिए दिल्ली के लिए निकल चुके हैं भाई, क्योंकि वहां से हमारी रामेश्वरम के लिए ट्रेन। तो चलो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ भाई देहरादून में क्या हाल हो रहा है ठंड से, सारे के सारे कैसे पैक हो रखे हैं। रात के इस टाइम 9 बज रहे हैं और हम दिल्ली के लिए बस ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बस ये है भाई एसी बस मिल जाए, सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है एसी बस का है, वो मिल जाए बस, क्यों भाई ठंड में क्या हाल हो जाएगी, रोडवेज में भी जम जाएगी, चलो देखते मिलती है नहीं मिलती बस। भाई हम लोग ISBT पहुंच चुके हैं, ठीक है, और हमें एसी बस मिल चुकी है, जिसका किराया है देहरादून से दिल्ली तक का कितना, 945 रुपीज़। और अगर आप लोग नॉर्मल रोडवेज में जाते हैं तो उसका किराया सिर्फ 420, भाई डबल है डबल, ठीक है, पर ठीक है, फैसिलिटी के हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से अगर आप जाना चाहो तो आप इसमें भी जा सकते हो। ये है इसकी एसी बस, ये भैया जी हैं हमारे एसी बस के कंडक्टर, भैया से चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं। हाँ अभी अभी भैया से चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। ये है बस उत्तराखंड रोडवेज की, इस पर हम जाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आगे के लिए। ये भैया ले जा रहे हैं हमें दिल्ली, भैया ये भैया हमें दिल्ली ले जा रहे हैं, हेलो कर दो भैया, अपने चरण पादुकाओं को इस पे रखते हैं अब इस गाड़ी में और चलते हैं रामेश्वरम की तरफ। गाइस हर चीज ठीक है, बस मेरे को इसमें उल्टी ना आ जाए। अबे नहीं आती भाई, फंस गया हूँ गाइस में। भाई मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब मैं ऐसे जाता था वॉलों में बैठ के, कहीं भी बैठ जाओ पूरी बस खाली है भाई। अब कितने दिन का टूर है भाई जी आपका? भाई साहब हमारा है 1 हफ्ते का टूर। अच्छा, हम जाएंगे पहले हजरत निजामुद्दीन से हमारी ट्रेन है जो हमें 2 दिन में पहुंचाएगी, 42 घंटे में हमें पहुंचाएगी मदुराई। मदुराई से 3 घंटे का हम बस का सफर करेंगे और हम पहुंचेंगे रामेश्वरम। फिर रामेश्वरम में हम 1.5 दिन घूमेंगे और वहां पे एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, ठीक है, जहाँ पे हमें राम सेतु भी देखने को मिलेगा, जहाँ से राम सेतु बनना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम वापस मदुराई जाएंगे और वहाँ पे भी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, हमने हमने सुना काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज है वहाँ पे। उसके बाद फिर हम मदुराई से वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा प्लान, तो अगर आप लोगों को प्लान देखना है तो जुड़े रहिए। और रामेश्वरम के बहुत प्यारे प्यारे सीन्स हम आपको दिखाने वाले हैं, पम्बम ब्रिज सबसे मेन है, ठीक है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये हमारे चलाने जा रहे हैं बस, लाइफ में पहली बार फटाफट चरण स्पर्श।
हाँ जी, और आप छूते हो घुटना, घुटना छूते छूते आप कमर तक छूने लग जाओगे, इससे बढ़िया आप चरण में ही छू, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो आप नरक में जाओगे। अरे अरे भैया, मतलब मैं नरक में जाऊंगा। अरे हुआ ये था, मैं भैया के पैर छू रहा था तो घुटने तक ही छू रहे, तो भैया बोल रहे कि छूने तो, लेकिन अच्छी बात बोली भैया आपने, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, मेरे को लगता है अब नरक में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। भैया भैया अयोध्या से? अरे भैया, मैं प्रभु रामचंद्र की नगरी से, प्रभु राम का गुरु भाई हूँ। अरे अरे भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। रिश्ता नहीं आ रहा लड़की का, वो अभी देख कर हम बता देंगे, बता देंगे। अरे कुंडली मैच करानी है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु राम की कृपा। जो आती, कहाँ जाएंगे आप पंडित जी, कहाँ जाएंगे आप? मैं जाऊंगा नोएडा। नोएडा जाएंगे आप, पता दिल्ली तक का सफर रहेगा साथ में। चलिए चलिए, हमें मिल चुके हैं पंडित जी, अयोध्या नगरी से आए हैं, काफी अच्छे इन्होंने हमें बातें शेयर की अपनी, ठीक है। तो चलो आज इनके साथ हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, ठीक है, बाकी हम ज्वाइन करते हैं आगे आपको। तो भाई हमारी काफी अच्छी जर्नी रही हमारी, उसमें एसी बस में उत्तराखंड से हम लोग पहुंच गए यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। हम लोगों ने अब कैब कर ली और अभी हम एक फ्लैट पे जा रहे हैं, अपने दोस्त के एक फ्लैट पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम रेलवे स्टेशन के लिए, ठीक है। हमने ऊबर कर लिया, ऊबर वाले भैया हेलो बोल दो यार वीडियो में। हेलो भाई। तो बस हम पहुँचने वाले हैं फ्लैट पे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रेलवे स्टेशन लिए, क्योंकि अभी 2 घंटे बचे हैं, तो हम 2 घंटे क्या ही करेंगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जाके, ठीक है। तो चलते हैं अभी, सुबह रास्ते में भूख का जुगाड़ सिर्फ एक ही है भाई, मैंने अपने साथ लेके चलता हूँ लॉटी चौक उपाय। तो जब भी जैसे भूख वगैरह लगती है ट्रैवल करते हुए, ठीक है, आधी रात को, तो ये खा लेता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, भूख भी कम हो जाती है और थोड़ी देर के लिए मतलब सही रहता है मामला, बढ़िया चीज़ है, उसको कैरी करके चला जाता हूँ फ्लैट से। और अब हमें मिल गया एक गंदा आदमी भाई, हेलो तो बोलते भाई, क्या लगा इस? तो वापस से हमने इसको पिक कर लिया, अब हम विनीत को पिक करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सॉरी भाई, मतलब फ्लैट से हम लोग साथ में आ गए, सॉरी भाई, उठाया है फ्लैट में अपने, मेरा फ्लैट था भाई, सॉरी सॉरी भैया, गलती हो गई। अब हम विनीत को पिक करने जा रहे हैं, ठीक है, फिर तीनों जाके, वैसे तो हम जल्दी जा रहे हैं, फालतू में पता नहीं विनीत को थोड़ी सी चुल हो गई थी कि जल्दी जाना जल्दी जाना, अदरवाइज आराम से जाते हैं हम। उसका बाल, सिर का बाल उठ चुका है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोंडा। उसे पिक कर लेते हैं भाई और उसके बाद चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो वेलकम करते हैं हम मिस्टर विनीत सरोया का। तो मिस्टर विनीत सरोया की एंट्री हो चुकी है। गाइस, सील ब्रेकर ग्रुप इज एक्टिव नाउ। ये वही विनीत है जिन्होंने सुबह सुबह कलेश कर दिए हैं। जाने के चक्कर में, कलेश के चक्कर में पहुंच पा रहे हैं 4:30 बजे, हम आराम से पहुंच जाते भाई। 74 रुपए का फाइन ठुकवा चुके हैं मेरे पे। हाँ भाई, फाइन किसी से ठुके साले? हाँ भाई, उसने बुक करी हुई थी तेरे को, ये और था ना, अभी कर अभी कर अभी कर, आराम से 4:30 की करी हुई थी, 350 की हो रही थी वो, जो कितने की होगी, कोई बात नहीं गाइस, कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, साहिल के पास है पैसा ही पैसा। पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, सुबह सुबह 5 बजे, 5 तो नहीं बजे, 4:30, इन भैया को चुल हो गई थी ना थोड़ी सी कि जल्दी जाना जल्दी जाना। हेलो हेलो, हाँ इधर इधर है, किस बात की चुलती भाई जल्दी आने की? ट्रेन छूट चुकी है मेरी ऑलरेडी पहले। रहने दे भाई, इतना टाइम पड़ा था, फालतू इतनी जल्दी बुलवा दिया, क्या दिक्कत थी भाई से? ये मेरी जिंदगी का वाहियात डिसीजन था ना। जो कि मैं पहले MBA के लिए भी ले चुका हूँ। अरे अरे नहीं नहीं भाई भाई, इतनी बेइज्जती नहीं खुले हम। आज इन ब्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे वाहियात डिसीजन लेते रहेंगे। खैर हमने बहुत लिए हैं, हमारा काम ही है, हम दूसरों को दोष नहीं देंगे, हमारा काम ही है, आप समझ सकते हैं हम किसे बोल रहे जा रहे हैं। ये रहा गाइस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, स्टार्ट होते हुए यहाँ से गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है गाइस, एक मनुष्य के साथ रामेश्वरम की जर्नी फ्रॉम MNC। सो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी ट्रेन आ गई है पीछे, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे अभी रामेश्वरम की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा प्लीज।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना बिल्कुल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है? अगले ब्लॉग से अपनी जर्नी शुरू हो रही है, ट्रेन जर्नी शुरू हो रही है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।